ठीक है, अंदर से आवाज़ आ जाता है, भैया तू गलत कर रहा है। ज़्यादातर देखा गया जब आप ज़्यादा परेशान होते हो, ज़्यादा स्ट्रगल करते हो, तो समथिंग इज़ रॉन्ग, ठीक है, कुछ गलत हो रहा है। कि कोई सवाल कर रहे हो, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कोई सवाल कर रहे हो और यार वो कुछ उम्मीद से ज़्यादा ही परेशान कर रहा है, कुछ ज़्यादा ही लेंदी जा रहा है, मतलब कुछ गड़बड़ है यार, ठीक है। मतलब हमें ये एक जनरली ऐसा होता है, पर हो सकता है वो सवाल ही बहुत लेंदी हो, डिफिकल्ट हो, ठीक है। तो ये कहता है, ए बॉल मूविंग विथ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड कोलाइड हेड ऑन विथ अनदर स्टेशनरी बॉल डबल द मास। चलो एक बॉल है वो मूव कर रहा है, ए बॉल मूविंग विथ वेलोसिटी, ये बॉल 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है प्यारे बच्चों, कोलाइड हेड ऑन अनदर स्टेशनरी बॉल। चलो यहाँ पर एक स्टेशनरी बॉल है, स्टेशनरी बॉल जिसकी वेलोसिटी पहले से 0 थी, इसका मास 2m है और इसका मास m है, ठीक है। ए बॉल मूविंग क्लाइड हेड ऑन अनदर स्टेशनरी बॉल डबल द मास, इफ द कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ई की वैल्यू देना दिया, ध्यान देना ई की वैल्यू 0.5 है, ठीक है। आपको ये बात पता होना चाहिए कि ई की वैल्यू अगर 0.5 है तो कोलिजन किस टाइप का है, कोलिजन इन इलास्टिक कोलिजन है। अगर कोलिजन इन इलास्टिक है, ठीक है, तो हम डायरेक्ट इलास्टिक वाला फार्मूला नहीं लगा सकते, ठीक है। देन देयर वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन, कोलिजन के बाद वेलोसिटी, मान लो कोलिजन यहाँ हो गया और कोलिजन के बाद जो है एक वेलोसिटी V1 से जा रहा है और दूसरा V2 से जा रहा है, तो क्या आप ये वाला फार्मूला लगा सकते हो क्या, M1 माइनस M2, M1 प्लस M2, ठीक है, M1 प्लस M2 मल्टीप्लाइड बाई U1 प्लस 2 टाइम्स M2 U2 मल्टीप्ली डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 और इज इक्वल टू V1, कोलिजन के बाद पहले वाले बॉडी, क्या ये फार्मूला लगा सकते हो? बिल्कुल गलत बात, ये फार्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि ये तब लगता था जब कोलिजन इलास्टिकली था और इलास्टिक कोलिजन के लिए E इज इक्वल टू 1 होता है और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए 0 होता है और बाकी इन इलास्टिक कोलिजन के लिए E की वैल्यू ये होती है, E की रेंज, E की वैल्यू प्रैक्टिकली, ठीक है, ये थ्योरेटिकली ये वाली चीज है, E इज इक्वल टू लेस देन, ये थ्योरेटिकल वैल्यू है ये, ठीक है। चलो तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका करने के दो तरीके हैं, या तो आपको इस टाइप का एक फार्मूला है वो याद हो, हाँ जनरली वो किसी को याद नहीं होता है, मतलब बहुत सारे बुक में दिया हुआ है, आप देख लेना, या मैं थ्योरी में डिस्कस किया हूँ, इस टाइप का एक फार्मूला वो याद हो, वो किसी को जनरली एग्जाम में याद रहता नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने का, जहाँ इन इलास्टिक कोलिजन हो, इस टाइप के क्वेश्चन करने का मैं आपको हमेशा ये बात बताया हूँ, कोलिजन के प्रॉब्लम दो कॉन्सेप्ट पे सॉल्व होते हैं, कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और मोमेंटम कंजर्वेशन, तो ये दोनों मैं लगा दूंगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, सभी डेरिवेशन इसी से डिराइव हुए हैं। तो पहला मैं मोमेंटम कंजर्व करा दूँ, फर्स्ट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग द एक्स एक्सिस, नेट मोमेंटम कोलिजन से पहले एक्स एक्सिस में था तो बाद में भी एक्स एक्सिस में ही जा रहे होंगे, ठीक है, या कुछ ऐसा बता रहा है वन डायमेंशनली है, ठीक है, वन डायमेंशनल ऐसा बताया गया है। तो इसका मोमेंटम एक्स एक्सिस में 2m और इसका चला गया 0, इनिशियल मोमेंटम, इसका फाइनल मोमेंटम, इसका mv1 और इसका आ गया 2mv2, तो काट कूट के, ठीक है, m ने m को, तो 2 इज इक्वल टू v1 प्लस 2 टाइम्स v2, तो ये आ गया हमारा अच्छा सा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना, इंटरेस्टिंग बात। चलो अब हमें बचा कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ई वाला फार्मूला, ई सेकेंड जो लॉजिक है, सेकेंड जो कॉन्सेप्ट है, कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ई को कैसे डिफाइन करते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये अलग तभी होंगे जब v2 ग्रेटर देन v1 होगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 माइनस v1, और ये कोलिजन तभी करेंगे जब ये u1 है और ये u2 है, ठीक है, u1 ग्रेटर होगा u2 से, मतलब u1 माइनस u2, ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, e की वैल्यू 0.5 दिया है, 0.5 दिया है, इसका मतलब ये हुआ, और v2 हमें चाहिए, v1 भी चाहिए, u1 दिया था क्या, u1 दिया होगा, ठीक है, हाँ 2 है, u1 2 है, ये आ गया हमारे पास 2, और माइनस u2 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो 1 आ गया और ये आ जाएगा v2 माइनस v1, दैट इज इक्वेशन नंबर 2।
तो ये जो दो वाले अच्छे वाले इक्वेशन मिले और इन दोनों का अगर मैं सॉल्व कर लूँगा तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कोलिजन के बाद हमें वेलोसिटी पता चल जाएगी v1 v2। इनको सॉल्व कैसे किया जाए, सॉल्व करना इनको बहुत आसान है, बच्चे जानते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ दूँ तो जोड़ने के बाद v1 ने v1 को और 2 1 3 जोड़ने के बाद और इधर v2 by 3 3 v2, मतलब v2 की वैल्यू आ जाएगी 1 meter per second। अगर v2 1 meter per second आ गया तो v2 1 meter रखोगे तो 1 ने 1 को ख़त्म कर दिया, मतलब v2 आएगा भाई, मतलब v1 0 आ जाएगा, ठीक है। मतलब कोलिजन के बाद जो है, कोलिजन के बाद पहला वाला जो था वो रेस्ट में आ जाएगा और दूसरा वाला 1 से मूव करेगा, ठीक है। मतलब क्या है यार, 1 और 0 0 और 1 0 और 1 सही है, 0 और 1 मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही है। आई होप कि आपको इस टाइप के प्रॉब्लम करना